गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण वैभव में पार्ट दो हमारी वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, हिंदी हमारी भाषा है और हमारी भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को किसी को बोलकर या लिखकर बताते हैं और वो हमारी भाषा को समझ जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी को की एक वर्णमाला है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वर हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐसे एक तारा, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो देखा, इन 11 को हम क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अब है व्यंजन की बारी। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अया टस, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अया ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हलवाई। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। उसके बाद और अक्षर आते हैं। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। इस प्रकार ये जो 4 है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं।